विधायक अनिल शर्मा को एक और झटका लगा है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा झटका हम इसे कह सकते हैं। अब तक जो नेता है वो नाराजगी जारी कर रहे थे, जो बगावती तेवर दिखा रहे थे, उनमें से सबसे बड़ा झटका आज शोकरण पोटलिया ने दे दिया, जो कि जिला परिषद सदस्य हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस के और तेज तर्रार नेता हैं। शोकरण पोटलिया ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की और फेसबुक पर पोस्ट डालकर कांग्रेस के अंदर खलबली मचा दी। एक दिन पहले जब विधायक अनिल शर्मा ये कहते हुए अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए नजर आए थे कि जो अधिकारी काम नहीं करते उन पर कार्रवाई हो, जिसके बाद शोकरण पोटलिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी और साफ साफ तौर पर कहीं ना कहीं विधायक अनिल शर्मा को आंखें दिखाने का काम है शोकरण पोटलिया ने अपनी पोस्ट के माध्यम से किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लगातार नेता कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया के सामने जाहिर कर रहे हैं या फिर अपनी अनुसार जाहिर करें, लेकिन नेता कार्यकर्ता है वो कांग्रेस से नाराज़ हैं, विधायक अनिल शर्मा से नाराज़ हैं। तो ऐसे में कहाँ दिक्कत कांग्रेस के अंदर है ये समस्या परे है, क्योंकि जिस प्रकार से दिवंगत पंडित भवनलाल शर्मा का दौर रहा उसके अंदर किसी भी नेता कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं होती थी, वो इस प्रकार से पोस्ट डालें, सार्वजनिक पोस्ट डालें, एकजुट रखने में विधायक भवनलाल शर्मा कामयाब रहते, और यही वजह थी कि वो लगातार जीतते रहे, सरदारशहर की जनता उन पर प्यार लौटाती रही। लेकिन इस बार उनकी राहें हैं विधायक अनिल शर्मा की वो आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि तमाम उनके नेता हैं वो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, जो असंतुष्ट नेता हैं उनकी लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। आज जैसे ही शोकरण पोटलिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, नाराज़गी जाहिर की, उसके बाद लगातार कमेंट आ रहे हैं, उनके पक्ष में आ रहे हैं, उनके खिलाफ़ आ रहे हैं। लेकिन इससे एक बात जाहिर हो जाती है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ नहीं क्यों सही नहीं चल रहा है। शोकरण पोटलिया के बारे में मैं आपको बता दूँ कि शोकरण पोटलिया एक जनाधार वाले नेता हैं, जो कि पिछले लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, 18 सालों से वो राजनीति में सक्रिय हैं। अब जरा आप जान लीजिए कि शोकरण पोटलिया आखिर नाराज़ हैं तो इसका कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है, विधायक अनिल शर्मा को कितना नुकसान हो सकता है। पहले मैं आपको शोकरण पोटलिया के बारे में थोड़ा बता दूँ कि वो कौन है, क्या है। शोकरण पोटलिया जो है वो पिछले 18 सालों से राजनीति में सक्रिय है, छात्र राजनीति से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो जोन नंबर 23 से अब जिला परिषद सदस्य हैं। जिला परिषद सदस्य क्या होता है वो भी मैं बता दूं कि इस जिला परिषद सदस्य 32 गांव आते हैं और 48,000 मतदाता हैं वो वोट करके अपना जिला परिषद सदस्य चुनते हैं। तो आप समझ सकते हैं, मैं बता दूं कि इस जोन नंबर 24 है वो भी शोकरण पोटलिया के दम पर ही कहीं ना कहीं कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी। जोन नंबर 24 के अंदर नोरा देवी है, जो कि उनके रिश्तेदार भी है। इसके अलावा नोरा देवी का प्रचार है वो शोकरण पोटलिया ने कहा था, उनके कहने पर ही दिवंगत विधायक पंडित भोला शर्मा ने उन्हें टिकट दी थी। शोकरण पोटलिया ने जिम्मेदारी ली थी कि जोन नंबर 23 और 24 से मैं कांग्रेस को जिताकर जिला परिषद की सीटें दिलवाऊंगा। तो ऐसे में 5 जिला परिषद सीटें हैं वो सरदारशहर के अंदर, जिसमें से जोन नंबर 23 और 24 के अंदर शोकरण पोटलिया वो अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इसके अलावा शोकरण पोटलिया 10 सालों तक NSCI के अध्यक्ष रहे, इसके अलावा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, छात्र राजनीति के अंदर भी उन्होंने 13 के करीब चुनाव लड़े, जिसके अंदर अधिकांश में कांग्रेस के NSCI संगठन जो है उसको जीत हासिल हुई। इसके अलावा भी बहुत से दिलचस्प आंकड़े हैं, जो जोन नंबर 23 और 24 है इसके अंदर पंचायत समिति सदस्यों की कुल 12 सीटें आती है, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं 9 सीटें हैं वो कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। तो आप समझ सकती हो कि शोकरण पोटलिया का कितना प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में है। यदि शोकरण पोटलिया नाराज़ होते हैं, यदि अपनी बगावती तैयार दिखाते हैं, तो कितना नुकसान कांग्रेस को इसका हो सकता है। शोकरण पोटलिया लगातार कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में उनकी भूमिका है वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी। जब जिला परिषद सदस्यों की बैठक होती है चूरू केंद्र या फिर सरदारशहर केंद्र पंचायत समिति सभागार में बैठकें होती है, तो लगातार शोकरण पोटलिया वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं और विपक्ष को घेरने का काम करते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं शोकरण पोटलिया अपनी पार्टी को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में दिलचस्प हो गया है कि ये राहें आखिर कहाँ तक जाएगी, किस कदर नाराज की नेताओं में है, ये आप इस पोस्टों के जरिए देख सकते हो। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं इस पोस्ट के ऊपर और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं इस सब के बीच आखिर भाजपा में क्या चल रहा है, आज भाजपा की ओर से भी एक बैठक आयोजित शनि मंदिर में की गई, जिसका नेतृत्व है वो अशोक पिंचा ने किया। अशोक पिंचा ने इस दौरान कहा कि यहाँ पर सरदारशहर के अंदर कमल खिलना तय है, इस बार सरदारशहर के अंदर भारी मतों से भाजपा का प्रत्याशी जीतकर विधानसभा में पहुंचेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गुटों में बटी हुई भाजपा का आखिर चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे पर भाजपा इस बार चुनाव लड़ेगी। मुख्य रूप से देखें तो हाल फिलहाल के अंदर अशोक पिंचा की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। अशोक पिंचा के साथ काफ़ी कार्यकर्ता हैं, वो उनके साथ हैं। इसके अलावा मधुसूदन राजपूत भी एक चेहरा हो सकते हैं भाजपा की ओर से। इसके साथ ही
सत्यनारायण सारण जो कि जाट नेता उनके ऊपर भी दाव चल सकती है भाजपा। लेकिन एक मजबूत नेता और है, शिवचंद सहू, जो कि पिछले लंबे समय से भाजपा के दावेदारी कर रहे थे, टिकट की मांग कर रहे थे। उनको हर बार निराशा होती है यदि शिवचंद सहू भी इस बार प्रमुख चेहरा भाजपा के हैं और लगातार वो अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। गांव देहात के अंदर भी वो अच्छी पकड़ रखते हैं, काफ़ी लंबा उनका कैरियर है, प्रदेश के अंदर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो ऐसे में बहुत सारे नेता हैं जो कि भाजपा के अंदर दावेदारी कर रहे हैं। गिरधारीलाल पारेख की भी भाजपा अपना उम्मीदवार बना सकती है, अगर अशोक पिंसा के काफ़ी करीबी हैं उन पर भी भाजपा है वो दाव चल सकते हैं। इसके अलावा सत्यनारायण झांझड़िया भी उम्मीदवारी जता रहे हैं। तो देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर किसके ऊपर दाव है वो भाजपा चलती है। लेकिन भाजपा है वो अब अपनी ओर से प्रयास तेज कर चुकी है क्योंकि भाजपा को चुनाव सामने दिख रहा है। जिस प्रकार से एक के बाद एक हार भाजपा के चुनाव के अंदर हुई है, तो इस बार कांग्रेस को भाजपा सरदार शहर में हराना चाहती है। तो ऐसे में भाजपा यदि एकजुट होकर लड़ती है तो ये हो भी सकता है। लेकिन हाल फिलहाल के अंदर कांग्रेस वह मजबूत है, लगातार कांग्रेस का विधायक सदाशय से चुना जाता आ रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या उम्मीदवार भाजपा के कमी खिलाने में सदाशय में कामयाब होंगे, क्योंकि भाजपा के अंदर भी बिखराव है, अलग अलग गुट हैं, इन गुटों की अलग अलग राजनीति है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जब चुनाव आते हैं तो क्या भाजपा एकजुट रह पाती है। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज़ हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता नाराज़ हैं, क्या उनको भी साधने में भाजपा कामयाब हो पाती है, इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन राजनीति के अंदर कब क्या नया हो जाए ये कह नहीं सकते हैं। नेता लगातार सदाशहर में आ रहे हैं, आरएलपी भी अपनी ज़मीन तलाश रही है। आरएलपी नेता लालचंद मोहन लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर है, बिजली पानी की समस्याएं उठा रहे हैं, गांव देहात के अंदर जा रहे हैं और अपनी स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आते आते कितना रोमांचक ये मुकाबला सदाशहर में इस बार होने जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता नाराज़ हैं, कार्यकर्ता नाराज़ हैं, तो इसी प्रकार से भाजपा के अंदर भी खेमेबंदी है, खेमाबाजी चल रही है। अलग अलग नेता हैं वो टिकट मांग रहे हैं, तो इसका नुकसान भी भाजपा को हो सकता है, इसका फ़ायदा कांग्रेस को हो सकता है। आरएलपी भी लगातार अपनी ज़मीन तलाश रही है और आरएलपी के साथ लगातार कार्यकर्ता वो जुट रहे हैं, कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, नेता जुड़ रहे हैं, कई सारे नेता हैं वो अब आरएलपी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। जिन नेताओं को भाजपा और कांग्रेस के अंदर भाव अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जिन नेताओं को अच्छा पद इन दोनों दलों में नहीं मिल रहा है, वो अब आरएलपी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में आरएलपी भी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की हर संभव सरदार शहर में कोशिश करती हुई नजर आएगी। लेकिन आज चर्चा पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ शोकरण पोटलिया की पोस्ट की रही, उनके जो पोस्ट डाली गई उस पर रही। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी इस पोस्ट के डलने के बाद खलबली सरदार शहर के अंदर मच गई।